देखो अब पिज्जा लेके आए हैं। क्या हुआ है तेरे को? पता नहीं क्यों रो रहा है, काफी देर से रो रहा है। रुहाब चाहत बाहर निकलो। इब्राहिम सोना हानिया आजा आजा। इब्राहिम आदि इब्राहिम इब्राहिम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ़ी टाइम के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। तो बहुत मिस किया मैंने आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों ने भी मुझे बहुत मिस किया होगा। तो स्टार्ट में जो आपने क्लिप देखा है वो लास्ट नाइट पाकिस्तान में क्लिप था, जो कि जिस रात हम लोगों ने फ्लाई करना था उस रात नाइट का क्लिप था। भाई पिज़्ज़ा, उन्होंने दो पिज़्ज़े ऑर्डर किए थे, हम लोगों ने सब ने बैठ के पिज़्ज़े इंजॉय किए और उसके बाद मिलके तो हम लोग जो है फिर वो रवाना हो गए थे। और ये है जनाब प्लेन का, जो कि हम लोग फ़्लाई किया था पहले मुल्तान से बहरीन, फिर बहरीन से जद्दा। सो गल्फ एयरलाइन पर हम लोग आए थे। बहुत ही जो है वो थर्ड क्लास किस्म की जो है वो उनकी सर्विस है, और जहाज़ भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, पुराना जहाज़ था बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग एमरजेंसी में हम लोगों ने जो है वो ट्रैवल किया था, वरना अदरवाइज़ हम लोग जो है वो सऊदी एयरलाइन पर आते हैं। सऊदी एयरलाइन जो है वो सबसे बेस्ट है, लेकिन गल्फ एयरलाइन जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमने रिटर्न टिकट करवाई थी तो इस वजह से मतलब मजबूरी में जो है वो फिर हमने ट्रैवल किया था। अब हम यहाँ से जो है वो अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट ले रहे थे, जो कि बहरीन से जद्दा की थी। और खैर एनी हाउ अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से गए, और खैर खैरियत से जो है वो वापस आ गए थे। पाकिस्तान में तो नेटवर्क इतना फजूल है, बिल्कुल भी फजूल ही कहूँगी मैं, कि कोई चीज़ जो है वो अपलोड ही नहीं होती, कोई वीडियो अपलोड ही नहीं होती। इसलिए मैंने जो है वो वीडियोज़ में बनाती गई थी और फिर मैं अपलोड जो है वो मैंने बाद में की थी, और इसलिए मैंने फिर ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाई। जब मैंने देखा कि एक वीडियो जो मैंने बनाई थी, जो कि मेरे ब्रदर इन लॉ के घर हम लोग, मैं और मेरी जो है वो भाभी खाना वगैरह बना रहे थे, तो हमने वीडियो अपलोड की। 3 से 4 दिन में वो वीडियो अपलोड करती रह गई थी, नेट इतना स्लो था ना कि कोई चीज़ अपलोड ही नहीं होती थी। और मैं फिर जो है वो गुस्से में आके ना मैंने कोई मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाई, कि जब कोई चीज़ अपलोड ही नहीं होती। और तो क्या शायद पता नहीं हमें वहाँ के नेटवर्क का पता ही नहीं है कि कौन सा नेटवर्क ज़्यादा अच्छा है, इवन कि हमने जोंग की सिम भी ली थी तो वो भी जो है वो मतलब नहीं सही काम कर रही थी। एनी हाउ मतलब एक टाइम था, गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत से जो है वो हम लोग वापस आ गए। और हमने आके जो है वो अब उमरा भी किया है अपने मतलब मेरे फादर इन लॉ का और मदर इन लॉ का, तो वो भी इंशाल्लाह मैं वीडियो आप लोगों के साथ अपलोड करूँगी, शेयर करूँगी बिल्कुल। तो अभी जो है वो आपको वेदर इन्जॉय करवाते हैं। जहाज़ में बैठे हुए थे हम लोग साथ, अब जो है वो मैं चाय भी पी रही थी, इनकी बस जो है वो चाय अच्छी थी गल्फ एयरलाइन की। तो अदरवाइज़ आप लोग मतलब एमरजेंसी के अलावा, ला ना करें कि किसी को कोई एमरजेंसी हो, एमरजेंसी के अलावा आप लोग गल्फ एयरलाइन पर बिल्कुल भी ट्रैवल मत कीजिएगा, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी बिल्कुल भी। इनकी सर्विस अच्छी नहीं है, ना तो उनकी सर्विस अच्छी है, ना इनका जो फूड इन्होंने दिया था वो अच्छा था। टिकट्स हालाँकि हम लोगों ने जो है वो 1% की 2500 जो है वो हमने पे किया, लेकिन उस हिसाब से बिल्कुल भी जो है वो उनकी सर्विस अच्छी नहीं थी। इसके हम लोग हमेशा जब भी जाते हैं हम लोग जो है वो सऊदी एयरलाइन पे जाते हैं। सऊदी एयरलाइन जो है वो बेस्ट है हर लिहाज से, उनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है, जहाज़ भी बहुत अच्छा होता है, और हर तरह की आपको फैसिलिटीज़ भी देते हैं। तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकी थी, एक्चुअली मेरा मोबाइल जो था वो स्विच ऑफ हो गया था, चार्जिंग नहीं थी उसमें, केबल तो मेरे पास थी, मैंने सोचा कि केबल जो है वो मैं प्लेन में यूएसबी की से के साथ जो है वो कनेक्ट कर लूँगी और चार्ज कर लूँगी, लेकिन अडॉप्टर जो था वो मैं मेरी हैंड कैरी में नहीं था, और प्लेन में जो है वो यूएसबी वाली ऑप्शन था ही नहीं, उसमें अडॉप्टर लगाओ, केबल अटैच करो और फिर आप अपना मोबाइल चार्ज करो। तो इस वजह से वो फिर जो अडॉप्टर था वो मैंने बैग में ही रख दिया था, वो हैंड कैरी में था मेरे पास। खैर फिर मेरा प्लान था कि मैं पाकिस्तान से लेकर सऊदीया जद्दा घर पहुंचते तक का कंप्लीट ब्लॉग आप लोगों से शेयर करूंगी, एयरपोर्ट का भी ब्लॉग शेयर करूंगी, लेकिन वो फिर मोबाइल में चार्जिंग नहीं थी, इस वजह से मैं शेयर ही नहीं कर सकी थी। खैर हम लोग जो है वो सेफली पहुंच गए थे जद्दा, जद्दा पहुँचे, घर आए, रिलैक्स किया, थोड़ा रेस्ट किया। तो जब हम लोग घर पहुँचे तो जो मेरी नेबर हैं चादा बाजी, उन्होंने हमारे लिए खाना बनाया हुआ था, कोफ्ते बनाए हुए थे उन्होंने, रायता था साथ, चिकन बिरयानी थी और रोटी थी। तो थैंक यू सो मच, बहुत 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 मज़े का जो है उन्होंने खाना बनाया हुआ था। और उस टाइम हमें इतनी शदीद भूख लगी हुई थी कि हमने प्लेन में भी कुछ नहीं खाया था और ब्रेकफास्ट बस ऐसे नॉर्मल सा ही था जहाज़ में। तो लंच में भी उन्होंने हमें एक शॉर्मा दिया था,
बड़ी भूख लग रही थी। खैर एनी हाउ नेक्स्ट डे जो है फिर वो मेरे हस्बैंड के कुछ कुलीग्स उनके कुछ फ्रेंड्स एम्प्लॉयज़ वगैरह आ रहे थे ताज़ियत के लिए, तो मैंने जो है वो केक बनाया था और साथ जो है वो कटलेट्स बनाए हुए थे मैंने, तो वो फिर मैंने बना के हर चीज़ हस्बैंड को दी। फिर मैं यहाँ पर एक डे में मैं जो है वो केक बना लिया था, फिर जब शाम में वो आए थे तो चाय के साथ मैंने केक और कटलेट्स जो है वो सर्व किए थे, तो हर चीज़ मैंने हस्बैंड को बना के दे दी थी और उन्होंने सिर्फ सर्व किया था। ट्रे में मैंने हर चीज़ उनको सेट करके रख दे दी थी, चाय भी बना के जो है मैंने रखती थी कि मैंने आप सिर्फ उस टाइम गर्म कर लेना, क्योंकि मेरा जो है वो लाउंज वो एंट्रेंस पे आ जाता है और लाउंज के साथ किचन है, तो फिर बाहर आने में मुझे मसला था। तो खैर ये था आज का ब्लॉग, आई होप कि वीडियो को आपने लाइक किया होगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अब आप लोगों के साथ मिलती रहूंगी एक नए ब्लॉग के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और आप लोग चाय को इंजॉय करें विद केक एंड कटलेट्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।